दाने दाने से लिखा है खाने वाले का नाम। बस ये जल्दी ही पकने वाली है, नैनी अब आने ही वाली होगी, उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। आज हवा भी बहुत तेज चल रही है। हाँ, नैनी आ गई। मैं आ गई। तुम आ गई नैनी, बाहर ठंड है ना? हाँ बाहर ठंड है और बहुत तेज हवा चल रही है। अच्छा, अब तुम अपने हाथ धो लो और अच्छी तरह गागल भी कर लो। आज मैंने स्वीट सोयाबीन्स बनाए हैं। वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है। याहू! आजकल ठंड बढ़ गई है, इसीलिए तुम अच्छी तरह गागल करना। ठीक है मॉम, अच्छे से करूँगी। कहीं ये वही तो। जब भी मैं नैनी के लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो ये जरूर आ जाता है, पता नहीं इसे कैसे पता चलता है। अरे घर पे कोई है, आपके लिए डिलीवरी है। ओह डिलीवरी, अच्छा हुआ ये वो नहीं है। अरे कोई है घर पे? हाँ आ रही हूँ। ये रहा आपका सामान और आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। हाँ हाँ जरूर। मैडम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। कहाँ से आया है? शिजुको आंटी के यहाँ से। शिजा तुम? यो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना नैनी के साथ खेलने चला आओ। लेकिन तुम ये क्या पहन कर आए हो? मामा मैंने अच्छी तरह से गागल कर लिया। अरे शिनचैन, यो क्या हुआ, तुमने ये अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं? ये अभी अभी आया है और बस जा रहा है। अगर ये हमारे साथ खा जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना। पहले तुम जाकर अपने कपड़े बदल लो फिर खाना। तुम मेरी बात समझ गई ना? तो जल्दी जाओ जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? आज के लिए इतना काफी है शिनचैन, बाय बाय। लेकिन क्यों आंटी? तुम्हारी मॉम चिंता कर रही होंगी इसीलिए प्लीज जाओ। हाँ? लगता है कुछ जल रहा है। हाँ? अरे नहीं! स्वीट बीन्स बस जलने ही वाली थी और राइस केक भी बाल बाल बच गए। मैंने बताया इसलिए ये सब कुछ बच गया है ना। हाँ मेरी वजह से ये सब बचा है, मेरी वजह से। हाँ जानती हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। आप इसे अभी खाएंगी? नहीं नहीं, ये तो हम लोग आज रात को खाने वाले हैं। मामा देखिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए। पूछो ये कब जाएगा। शिनचैन तुम घर वापस नहीं जा रहे हो? बाहर इतनी ठंड हो रही है और तुमने इस तरह के कपड़े पहने हैं इसीलिए। अरे शिनचैन तुम्हें तो सर्दी लग गई। मुझे सर्दी तो नहीं लगी है पर छींक आ रही है, नाक बह रही है और बुखार सा लग रहा है। इसी को तो ठंड लगना कहते हैं शिनचैन। सुनो तुम्हें घर वापस जाना चाहिए और अच्छे से आराम करना चाहिए। हाँ हाँ नैनी ने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। मुझे भी अचानक थका थका सा लग रहा है, घर जाना चाहिए। मुझे पता है तुम इतनी आसानी से नहीं जाओगे। अरे तुम ठीक तो हो शिनचैन? नहीं बिल्कुल नहीं, घर जाते जाते कहीं बेहोश ना हो जाऊं। शिनचैन मुझे लग रहा है कि अगर मैं कुछ खास खाऊंगा तो मैं एक बार फिर से ठीक हो जाऊंगा। हाँ आज मामा ने एक बहुत खास चीज बनाई है, खिलाओ ना इसे मॉम। पहले इसे पूछो तो सही कि इसे स्वीट बीन्स पसंद है या नहीं। बोलो शिनचैन। बहुत पसंद है। हाँ तुम्हें बहुत पसंद है, तुम्हें बहुत पसंद है ना। ठीक है शिनचैन, तुम भी अपने हाथ धो लो और गागल जरूर करना। अरे अरे अब आप इतना बोल रही हैं तो मैं थोड़ा सा खा ही लेता हूँ आंटी। इसमें नहीं बहुत क्या है। तुम ठीक तो हो ना? उसे ज्यादा नहीं देना चाहिए, उसे देना बिल्कुल वेस्ट होगा और राइस केक की कोई जरूरत नहीं है। ये नैनी के लिए है और ये है शिनचैन के लिए। अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, गागल करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, शुक्रिया। मुझे लगता है इस बोतल का पानी गले के लिए बहुत अच्छा है, अच्छी चीज है, मैं ठीक हो गया। मॉम मैंने इसे कहा था इसे यूज करने के लिए, ये पानी तो मेहमानों के लिए है ना। तुम कितनी अच्छी हो, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम समझदार हो गई हो। मैंने इसे थर्मामीटर भी दे दिया। क्या थर्मामीटर? जरा देखा जाए। क्या हुआ मॉम, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। अच्छा चलो पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं। मेरे लिए कौन सा वाला है? मेरे ख्याल से तुम्हारा बड़ा वाला है, तुम हमारे मेहमान हो ना। ठीक है चलो खाते हैं। अब अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है नैनी अब स्वीट बीन्स खाते हैं। आपने मेरे लिए इतना बड़ा राइस केक रखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं माँ मेरी कटोरी तो खाली है। नैनी तुमने ये बोला क्यों चुना? मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए स्वीट बीन्स बनाई थी। मामा तुमने मेरी मेहनत में पानी भेज दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आज देखिए मेरी कमाल की आर्ट। वेलकम बैक मॉम। अरे शिनचैन तुम आ गए? ये लीजिए मॉम। अरे शिनचैन तुम ये कूड़ा मुझे क्यों दे रहे हो? आपने इसे कूड़ा कहा, आप देख नहीं रही है राइस बॉल है, कूड़ा नहीं।
ये राइस बॉल है। इसे कूड़े में क्यों फेंक दिया? हाँ, तुम्हारा मतलब क्या है? ये कपकेक्स हैं जिन्हें मैंने अपने हाथों से बनाया है। क्या कपकेक्स? वनीला फ्लेवर के चॉकलेट चिप बटर कपकेक। अगर ये चीजें इतनी ही जरूरी है तो तुम्हें इन्हें संभाल कर रखना चाहिए ना? अब क्या फायदा? लेकिन आप भी तो अपना कीमती नेकलेस इधर उधर रख के भूल जाती हैं, है कि नहीं? मैं ऐसा कर सकती हूँ, समझे तुम? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। ये नाइंसाफी है। ये कहने वाले तुम कौन होते हो? मैं डैड को बताऊंगा। तुम नहीं बताओगे? बताऊंगा। तुम नहीं बताओगे? ये सब क्या है? तुमने कमरा कितना गंदा कर दिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसे साफ करना चाहिए? चलो साफ करो। ठीक है, साफ कर देता हूँ। मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ, लेकिन हमें सारी बेकार चीजें फेंक देनी होंगी, समझे तुम? बाद में मत कहना। ओके। हाँ, ये बिल्कुल बेकार चीज है, इसे फेंक दो। नहीं, ये बेशकीमती है। लेकिन कैसे? वो इसलिए क्योंकि इसे देखिए मॉम, क्या आपने देखा, इसकी गोलाई बिल्कुल सही है। इसे मैं बोर हो गया हूँ, इसे फेंक देना चाहिए। ये गया। हाँ? लेकिन वो तो ठीक है, उसे क्यों फेंक रहे हो? क्योंकि वो एक आम सी चीज है, उसमें जनरलिटी नहीं। अच्छा, तुम्हारा मतलब ओरिजिनलिटी। हाँ मॉम, आप तो मेरा दिमाग पढ़ लेती हैं। काश ऐसा हो पाता। मॉम, क्यों ना हम इन बेहद कमाल की चीजों के लिए एक खास कॉर्नर बना दे। क्या कहा तुमने, कमाल की चीजें? आजकल के बच्चे घर कितना गंदा कर देते हैं पेपर काट काट कर, है ना? मैंने अपने आप से कहा कि तुम ये कर सकती हो, और मैंने सब कुछ फेंकने का फैसला किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सब फेंक दिया? वो सब बेकार था। और पजामा का सामान कहाँ गया? हाँ, हमने वो सारी चीजें उसके कमरे की अलमारी में रख दी, संभाल कर, ताकि वो जब चाहे उसे इस्तेमाल कर सके। कजामा इतनी अच्छी चीजें बनाता है कि तुम उन्हें रख सकती हो। जानती हूँ, मैं भी उसकी बनाई हुई चीजें कभी नहीं फेंकती। वो बनाता ही इतनी अच्छी चीजें हैं कि आप फेंक ही नहीं सकते। और मसाओ का सामान? मसाओ का सामान वो जो भी बनाता है, हम उसे एक साल तक रखने देते हैं, और फिर क्या? हमें इस सब की आदत पड़ गई है। उसने वो सब बनाने में इतनी मेहनत की है, इसलिए हमने सोचा कि कम से कम एक साल तो उसके पास रहने दें। सब वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। लेकिन हम क्या करें हैरी? अरे मिक्सी, हम उन्हें रख सकते हैं इसके बचपन की यादें समझकर। ये अच्छी बात है, लेकिन अगर हम सब कुछ घर में रखने लगे तो सारा घर शिनचैन के सामान से भर जाएगा हैरी, और कुछ रखने की जगह नहीं बचेगी। मजा आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब पेश है आर्ट बुलेटिन। वर्ल्ड आर्ट कन्वेंशन यूएस में होने वाली है, वहाँ मिस ओयागिनो हात्सुकी हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली है। मुझे बचपन से ही आर्ट बनाना पसंद है। आप मेरे पीछे लगी जो भी पेंटिंग्स देख रहे हैं वो मैंने बचपन में बनाई थी। बिल्कुल मेरी जैसी आर्ट। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बड़ा होकर एक आर्टिस्ट बन जाए। शिनचैन का आर्ट कलेक्शन बना लिया हमने, चलो अब इसे सजाते हैं। ये तो भर गया। हम सारी चीजें इसमें नहीं रख सकते। ये तो धीरे धीरे भर जाएगा, उसके बाद एक नया रैक बना लेना। मॉम, चुप रहो शिनचैन। आइए आइए, खरीदिए आज के जमाने का कैमरा, ये आपके काम आएगा, बहुत ही बेहतरीन है। कहीं भी फोटो खींचिए, किसी भी समय आइडिया। अरे आइडिया, मैं घर आ गया। ता-ता-ना। देखो, मैं लेकर आया हूँ एक डिजिटल कैमरा। क्या? लेकिन क्यों? तुम्हारा मतलब क्या है? इससे हम शिनचैन के सभी आर्टवर्क की फोटो ले सकते हैं, और उन्हें रखने के लिए ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए होगी। पैसे क्यों बर्बाद किए? ये देखो, ये मजाक का वक्त नहीं है मित्सी। शिनचैन की बनाई हुई कलाकृतियाँ, ये तो बहुत ही अजीब है। बेकार की चीजें हैं इसमें। अब ये कैमरा बिल्कुल बेकार है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब तो बता दिया ना, कल इस कैमरे को वापस ले आना। इतना आसान नहीं है। मैंने कहा ना, कैमरा वापस ले आना। लेकिन मेरी बात तो समझो। मुझे कुछ नहीं सुनना। प्रिंसिपल।